वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैपेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोलिसिस होती क्या है? हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट जो है वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, और हम इसको आयनीकरण में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई जब सॉल्ट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो वन साइडेड रिएक्शन नहीं है, वो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ओके, और उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जो कांस्टेंट है उसको हम केएच बोलते हैं। ठीक, और जो सॉल्ट है हम उसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, और द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आज के वीडियो में हमारा फोकस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑलराइट, जहां तक बात है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल है उसका NaCl, राइट? ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली जब डिसोसिएट हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस वाटर में, ये Na प्लस अगर हाइपोथेटिकली आप मान लेते हैं कि भाई वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा भाई? बनना चाहिए यहां पे NOH प्लस, H प्लस बनना चाहिए, लेकिन ये NOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये फटाफट टूट जाएगा वापस, इट विल गिव इट बैक Na प्लस एंड OH माइनस, राइट? तो इसका जो रिएक्शन वाटर के साथ है इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सो हम इसको आयनीकरण में पढ़ने की जरूरत इस चीज को नहीं है हमें। हम फोकस करेंगे आज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को। ओके, एक एग्जाम्पल यहां पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का हो जाएगा दोस्तों, CH3COONa, राइट? ये सॉल्ट है CH3COH जो कि वीक एसिड है, और NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन करने की। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा सॉल्ट का, उसके पहले इस सॉल्ट को वाटर में मिक्स हो जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वाटर में मिक्स होगा ये दोस्तों, ये पूरा का पूरा सॉल्ट टूट जाएगा। ओके, तो ये जो सॉल्ट है इसको हम ऐसे AQ लेकर लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये मिक्स हो गया वाटर में और ये प्रोड्यूस करेगा आयंस CH3COO- और Na+। ठीक, अब Na+ का वाटर के साथ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि Na+ जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दोस्तों होगा क्या, Na+ प्लस वाटर, आप बोलेंगे कि Na+ का हाइड्रोलिसिस हो गया ये, लेकिन यहां पर जो बनेगा NaOH प्लस H+ Na+ के रिएक्शन के वजह से, यहां पर आप देखेंगे कि ये खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वापस से टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस का। ओके, तो इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये जो है दोस्तों CH3COO-, दिस विल अंडरगो एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विद दी वाटर, उसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्या बनेगा यहां पर, CH3COOH प्लस OH माइनस। अब आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिव आयन है दोस्तों, ये अपने आप में इतना स्टेबल नहीं है, ये बन गया स्टेबल, राइट? अब ये एसिड बनने की वजह से इसने क्या किए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने हाइड्रोजन आयन्स वाटर से निकाल लिए, उसकी वजह से दोस्तों जो वाटर में OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है रिलेटिवली बढ़ गई कंपेयर टू H+, क्योंकि H+ तो CH3CO- ने ले लिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, राइट? तो ये जो रिएक्शन हुई दोस्तों, क्या है ये रिएक्शन, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट का जो रिएक्शन है पानी के साथ, इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO-, तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO-। अब जो हम KH लिख रहे हैं, ये वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों, ये चेंज नहीं होता है, ये सॉल्वेंट है। ओके, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ KH टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ दैट, फाइन? सो KH इज दिस। अब अगर आप देखेंगे इस वीक एसिड का जो CH3COOH है, अगर हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम में गया इस तरह से CH3CO- प्लस H+, ओके, तो आप देखेंगे कि इस एसिड का जो Ka है वो CH3COO- मल्टीप्लाइड बाय H+ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH है। अब आप मुझे बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इन दिस सिनेरियो? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि भाई ये है यहां पर CH3COOH, इट इज प्रेजेंट इन द फ्लास्क, नाउ दिस विल अंडरगो एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन लाइक दिस, है कि नहीं? तो ये सब के सब हो रहे हैं,
तो अब मुझे आप एक बात और बताइए कि CH3CO माइनस जो मैंने यहाँ पर लिखा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सेम होंगे कि अलग होंगे? भाई एक ही फ्लास्क है राइट, और एक ही आयन है, तो कैसे अलग हो सकता है? दोनों सेम है राइट। सिमिलरली यहाँ का ये कॉन्सेंट्रेशन और CH3COH इधर के कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम होंगे। ओके तो बिकॉज ये दोनों सेम है, आपके पास एक चीज निकल के आ गई यहाँ पर, के एच। अगर आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको दूसरे पेज में कॉपी कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ के एच और के ए को, तो मेरे पास क्या आएगा? एच प्लस मल्टीप्लाई बाई ओ एच माइनस। अब दोस्तों क्या वाटर का इक्विलिब्रियम है फ्लास्क में? भाई वाटर तो सॉल्वेंट है, वो तो ढेर सारा है, वहां पे वाटर का भी इक्विलिब्रियम है, एच टू ओ गिविंग एच प्लस प्लस ओ एच माइनस राइट। तो ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू राइट। तो हमारा जो हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज नथिंग बट के डब्ल्यू बाई के ए। ओके तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स। नाउ गोइंग बैक टू दैट अर्लियर रिएक्शन, जो हमारा पहला वाला रिएक्शन था उसके बारे में फिर से एक बार बात करते हैं। हाइड्रोलिसिस वाला जो रिएक्शन था, ठीक है, क्या था हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हमारा? CH3COO माइनस प्लस वाटर गिविंग CH3COH प्लस OH माइनस। ओके तो यहां पे मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरा C है, ये जीरो ये जीरो, वाटर कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स ही है, ये हो जाएगा सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। ओके अब यहां पर वही हमारा यूजुअल अप्रोक्सीमेशन रहता है, अल्फा इज वेरी लेस कंपेयर टू पॉइंट वन, अगर ये मान के चले तो जो हाइड्रोलिसिस का जो कॉन्स्टेंट है, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट ये रहा दोस्तों ये, इसमें हम लोग लिखेंगे सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी टाइम्स वन माइनस अल्फा, ये लिखेंगे ऑलराइट। तो क्योंकि अल्फा इज वेरी लेस कंपेयर टू वन, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट को लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा मेरे पास हो जाएगा दोस्तों रूट ओवर के एच बाई सी, और सी अल्फा जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस है दोस्तों, वो हो जाएगा रूट ओवर सी के एच। ओके तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस सी रूट के एच है, और के एच क्या है दोस्तों? के डब्ल्यू बाई के ए। भाई अगर क्वेश्चन में के एच डायरेक्टली आपको गिवन है तो आप ये यूज कर लीजिए डायरेक्टली, लेकिन ये देखा गया है कि के एच की वैल्यू नहीं दी होती डायरेक्टली, के ए दिया होता है, तो इसलिए जो है ये जानना आपके लिए जरूरी है। फाइन तो ये आपका ओ एच माइनस आ गया। अब यहां से एच प्लस कितना होगा दोस्तों? एच प्लस हो जाएगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस राइट। सो एच प्लस वुड बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर सी के डब्ल्यू बाई के ए। ओके तो ये हो जाएगा दोस्तों रूट ओवर के ए के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी। ओके अब जहां तक बात है दोस्तों पीएच निकालने की, पीएच हम इस तरह से निकाल सकते हैं, मैं दूसरे पेज में नहीं जाना चाह रहा हूं इसलिए यहां पर काफी ज्यादा स्पेस का कंस्ट्रेंट हो रहा है। पीएच नेगेटिव लॉग लेंगे तो आ जाएगा हमारा राइट, दैट इज हाफ ऑफ, आप देखेंगे पी के ए प्लस 14 माइनस लॉग ऑफ सी, ये पीएच हो गया। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ लॉग सी राइट। तो इस तरह से आप दोस्तों हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का निकाल सकते हैं। तो मैं आपको अर्ज करूंगा दोस्तों इसी तरह से आप हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट करके खुद से देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का खुद से करके देखिए, प्रोसेस एक्जैक्टली सेम है ऑलराइट। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है इसको ठीक से समझिए और इसके ऊपर कुछ सवाल लगाने के लिए ट्राई करिए।